नीमच में आज स्कूल फीस माफ को लेकर पालक संघ की बैठक। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह टाउन हॉल पर पालक संघ ने फीस माफ को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में पालक संघ एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी पालकों ने जिला अभिभावक संगठन का गठन किया है और कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। पालकों का कहना है कि नीमच जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल है, लॉकडाउन के चलते बच्चों की फीस माफ करनी होगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पालक संघ द्वारा संगठन तैयार किया गया है और हमारे संगठन के माध्यम से 10 स्थानों पर पालकों की फीस माफी को लेकर आवेदन मिलेंगे, जिसे भर कर वह हमें दे, जिससे यह मालूम हो सके कि जिले में कौन कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिससे उनकी फीस माफी कराई जा सके। क्या कहना है पालकों का, ये सुनते हैं। जैसा कि कल हम 404 पर इकट्ठे हुए थे, सबसे पहले तो आप सब साथियों का धन्यवाद, आपने अच्छा कवरेज दिया। और जैसा कि कल हमने कहा था कि हम आज अभिभावक संघ का गठन करेंगे, सबसे पहले हमने जिला अभिभावक संघ के नाम से पालकों के समस्याओं के लिए संगठन खड़ा किया है, जिसमें सब कार्यकारिणी सदस्य होंगे, उन सदस्यों के नाम आज चिन्हित किए गए हैं। और सबसे पहला काम संगठन का आज ये है कि कई पालक आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि वे पर्सनली भी जाकर स्कूल में माफ़ी के आवेदन, स्कूल फीस माफ़ी के लिए आवेदन दे के आए हैं। तो हम इस काम को अब चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पूरे शहर में 10 स्थानों पर अलग अलग जगह फॉर्म उपलब्ध कराएंगे फीस माफ़ी के लिए। जो भी पालक अभिभावक अपने बच्चों के फीस माफ़ी के लिए आवेदन देना चाहते हैं, वे आवेदन प्राप्त करके उसे फिलअप करके वापस देंगे, उसकी 3 प्रति कराएंगे, जिससे हम इस लड़ाई को आगे लड़ पाएंगे। और कई स्कूल ये कह रहे हैं कि शासन का आदेश है, कोर्ट का आदेश है कि ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो मेरा उन सबसे ये कहना है कि उस आदेश के बावजूद भी कई छोटे स्कूल फीस माफ़ी के लिए आगे आ चुके हैं, तो कृपया बचे हुए स्कूल भी इसमें आगे आएं और पालकों को राहत प्रदान करें। और एक सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों से आपका स्कूल है, ये बच्चे मेहनत करते हैं, जब आपका स्कूल का नाम चमकता है तो इस परेशानी को समझते हुए सभी स्कूल संगठनों से निवेदन है कि इस फीस माफ़ी के साथ आएं और पालकों को राहत प्रदान करें। विगत 3-4 माह से जब से स्कूल खुले हैं या ऑनलाइन शिक्षा चालू हुई है, तब से निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा अभिभावकों से फीस की मांग की जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कोरोना काल में जिस प्रकार से आर्थिक हानि हुई है तो उनको रियायत देंगे, और एक तरफ निजी स्कूल संचालक जो हैं वो बच्चों से फीस मांगने का दबाव बच्चों पर बना रहे हैं, उसके अलावा पेरेंट्स पर बना रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, पर हर बार यही जवाब मिलता है प्रशासन से, स्कूलों से, कि आपका कोई संगठन नहीं है, हम किससे बात करें। करीब 2 महीने से सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को भी दिए हैं, स्कूल प्रशासन को भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। कल हमने तय किया है कि बार बार जब एक सवाल उनके तरफ से उठाया जाता है कि हम बात करें तो किससे करें, और यह सही भी है कि अभी तक नीमच में कोई भी ऐसी संस्था का गठन नहीं था कि जिससे स्कूल संचालक डायरेक्ट बात कर सकें, और अभिभावक अपनी सभी अभिभावकों की मांगों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम स्कूल संचालक तक पहुंचा सकें। तो इसी तारतम्य में आज सभी अभिभावक इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक जिला अभिभावक संघ का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अंदर हम 11 सदस्यीय एक संचालन समिति बना रहे हैं, जो कोरोना काल से लेके अब तक जो स्कूल द्वारा फीस वसूली गई है या वसूलने की योजना है, इसके खिलाफ हमको सर्वप्रथम हमारा लड़ाई लड़ने का प्रयास यह रहेगा कि इस स्कूल फीस को किसी भी तरह से माफ़ किया जाए। हम किसी भी प्रकार की रियायत नहीं चाहते हैं, हम स्कूल फीस को पूर्णतः माफ़ करने की योजना बना रहे हैं, और जिन पेरेंट्स ने दबाव के कारण या नासमझी के कारण या सरकार की नीतियाँ स्पष्ट नहीं होने के कारण फीस जमा करा दी है, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म लड़ाई लड़ेगा, उस फीस को समायोजित करने का प्रयास करेगा। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।